हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। तो अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अगले जो फॉर्मूलाज हैं, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था, टेबल के बारे में बताया था, हमने वो किया था। तो आज हम करेंगे जो कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो बेसिकली यूज़ होते ही होते हैं। जैसे कि मैंने ये कोस फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास जैसे एंगल साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, इसके जैसे फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो वन अपॉन को सेकेंड थीटा में, तो हम उसे साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब एज सिंपल हमें सॉल्व करके साइन थीटा उसका लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा हो हमारे पास, उसे वन अपॉन को सेकेंड थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला होता है सेकेंड थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा। मतलब सेकेंड थीटा को हम वन अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे अब कोस थीटा हो तो उसे वन अपॉन सेकेंड थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे ही चलते हैं अब टैन पे। टैन क्या होता है? टैन थीटा होता है वन अपॉन कोट थीटा। और हमें पता है कोट थीटा जैसे क्या हो जाएगा, वन अपॉन टैन थीटा। वैसे अगर हम इसे भी इधर इंटू कर लेंगे और हमें कोट थीटा फाइंड करना होगा, तो वन अपॉन टैन थीटा सीधा हो जाएगा। इन दोनों के ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टैन का और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वन के इक्वल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू वन। ये हमारा जो बहुत जगह पे यूज़ होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और कोस थीटा का निकाल सकते हैं। हमको बताती हूँ कैसे। जैसे हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इधर लिखेंगे, इक्वल टू क्यों दिखा रहा है, वन। वन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव में कोस थीटा है, उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन गया सेकेंड फॉर्मूला। अब अगर हमें क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इधर लिखेंगे, वन इधर, माइनस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला से हमारे ये दो फॉर्मूला बन रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हो गए, वन, ये टू और ये थ्री। ये थ्री के थ्री फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको आना ही चाहिए, बिकॉज ये बहुत यूज़ होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पर। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी याद रख लेना। आपको बस ये याद कर रख लेना, इसमें से भी आपके साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हमें अगर साइन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो वन ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर के प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा जो थीटा का फॉर्मूला होता है वो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला। अब अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसे माइनस को हम उधर ले जाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो टेन स्क्वायर थीटा है ये फो आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन। तो हमारा ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड फार्मूला। तो हमारा जो ये सेकेंड फार्मूला है, इससे हम अपने दो फार्मूला जो है बना लेंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वन पर। रखना है कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है। इसमें से भी हम क्या करेंगे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे और कोट स्क्वायर थीटा का भी। अब हम चलते हैं कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये वन इक्वल टू के उधर था, ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाके प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी ऐसे ही निकलेगा, वन माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस, उधर शिफ्ट करेंगे माइनस ऑफ वन माइनस माइनस प्लस ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा को सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस वन। तो जैसे ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, इससे भी हम दो फॉर्मूला बना लेंगे। मतलब आपको जो मेन फॉर्मूला है वो ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन को सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल। मैंने ये तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख लिए हैं, ताकि आप जो फॉर्मूला है वो खुद बना लेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you guys watching for this video. Subscribe and share my channel. Thanks.